आप सब कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में टॉप। अगर आप मेरे बताए गए रूल एंड टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप भी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में टॉप। जी हाँ बच्चों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे कि आप कैसे टॉप कर सकते हैं। तो आप सबको पता ही होगा कि जून का मौसम आ चुका है, जून का महीना आ चुका है, इसमें एक महीने की हम लोग को छुट्टी मिलती है। तो हम कुछ बच्चे खेलने चले जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पढ़ाई भी करनी है, घूमना भी है, आपको अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहना है। क्या करना है आपको? अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहना है। आज मैं ऐसा आपको टाइम टेबल देने वाला हूँ जिसे आप फॉलो करते हैं तो आप ला सकते हैं 98-95%। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तो आपको अपना एक गोल सेट करना है कि हमें कितना परसेंट लाना है और अपने उस गोल पे लगे रहना है। आपको पढ़ाई करनी है, आपको एक टाइम टेबल अपना बनाना है खुद का। मैं जो आपको टाइम टेबल दे रहा हूँ उसको भी और अपना एक खुद का टाइम टेबल बनाइए जिस समय आपको पढ़ना सही लगे, और उसी टाइम टेबल को फॉलो कीजिए और आपका ज़रूर यह गोल पूरा होगा। तो चलिए अब मैं आपको टाइम टेबल की मदद से बताता हूँ कि आपको किस प्रकार पढ़ना है, कब कैसे पढ़ना है। आपको उसी पर टाइम टेबल पर कंसिस्टेंट रहना होगा। और आपका अपने खुद गोल बनाना चाहते हैं, आपका एक गोल बनाइए और आप अपना खुद का टाइम टेबल बना सकते हैं और उसी को आप रोज़ फॉलो करिए। देखना एक ना दिन आपका एक गोल जरूर पूरा होगा। वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें क्योंकि सुबह का मौसम इतना शांत होता है। अगर आप कुछ भी लर्न करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और आपको और समय मिलेगा पढ़ने का। जैसे सुबह अगर आप 7 बजे उठेंगे तो आपका 2 घंटा लॉस हो जाएगा। अगर आप 5 बजे उठेंगे 2 घंटे पहले तो आपका 2 घंटा बच जाएगा ना। तो आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। इन मॉर्निंग टाइम 5 AM to 6 AM आप सुबह के समय SST पढ़िए। 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आप 1 घंटे SST पढ़िए, एकदम ब्रेफली लाइन टू लाइन SST पढ़िए और इसकी हिंदी समझिए। मैथ्स आप सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 1 महीने तक मैथ की प्रैक्टिस 1 घंटे कर लेंगे तो आपकी मैथ्स और बेटर हो जाएगी। 7 to 8 AM आप साइंस की प्रैक्टिस कीजिए, जैसे फिजिक्स और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। बायो में आप बायो के हर एक लाइन वाइज पढ़िए, उसको समझिए बायोलॉजी को। केमिस्ट्री में आप MCQ की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और केमिस्ट्री को समझिए प्रैक्टिकली। सुबह 8 से 9 बजे आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए, जैसे इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, लिटरेचर, लैंग्वेज, उसमें आप सभी को पढ़िए। जैसे कि इंग्लिश को आप रटिए मत, उसको समझिए क्वेश्चन आंसर को। आपको जो हिंदी वो 9 से 10 बजे सुबह पढ़नी है, और हिंदी में जैसे जो व्याख्या वगैरह करने के लिए आता है वो आप व्याख्या जो उसको रटिए मत, उसको समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको बोर्ड तक याद रहेंगे। तो आप बोर्ड तक रटे रहेंगे तो भूल जाएंगे। और एकदम अच्छे से कहानी को समझिए ताकि आप उसके क्वेश्चन के आंसर दे पाएँ बोर्ड एग्ज़ाम में और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं हिंदी में। और जो आप सोच रहे होंगे कि हमको बीच में ब्रेक इसलिए नहीं दिया गया, तो आप अपने हिसाब से 5 मिनट हर एक सब्जेक्ट में ब्रेक ले सकते हैं। आप इसी तरह 1 महीना इसी तरह प्रैक्टिस है, एकदम अपने लगन ध्यान से एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। देखना आपकी ये आदत से लग जाएगी, आप हमेशा इसे कंसिस्टेंट में रहेंगे, एकदम बराबर चलेंगे कैसे क्या पढ़ना है। हालांकि ये जो जून की छुट्टी ख़त्म होगी तब भी आपको इसी तरह पढ़ना है, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट रात को करना है। यह आपके लिए और अच्छा टाइम टेबल, यानी कि दोनों को आपको फॉलो करना है। अगर आप जून में चाहते हैं इसको भी फॉलो कर सकते हैं, आपके लिए और अच्छा रहेगा। और आफ्टर जून के बाद इसको आपको डेली फॉलो करना होगा, क्योंकि आप स्कूल के बाद आने के, क्योंकि आपको सुबह तो टाइम मिलता नहीं है 10 बजे, आपको स्कूल आने के बाद आप इस टाइम टेबल को फॉलो करिएगा, आपका 100% 98% या 95% तो आएगा ही आएगा। ये एक अच्छा टाइम टेबल है। अगर आपको ये टाइम टेबल अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने आपको इस टाइम टेबल अच्छे टाइम टेबल के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय।